दुमका जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में भूसकी पहाड़ी जंगल से पुलिस को भारी मात्रा में कारतूस और दो इंसास के साथ ग्रेनेड मैगजीन सहित कई सामग्री मिला है। पुलिस के मुताबिक बरामद यह सामग्री एक इंसास 2013 में तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार के घटना में आरक्षी मनोज कुमार हेम्ब्रेम का, जबकि दूसरा 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान सिकारी पारक के सरजा जोल गांव में आरक्षी रघुनंदन झा के नक्सलियों द्वारा लूटे गए हथियार थे। 19 में एक रानेश्वर थाना अंतर्गत कटलिया जंगल में एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें हमारे जो एसएसबी के जवान नीरज छेत्री का भी शहीद हुए थे। उसे एनकाउंटर में बहुत सारे नक्सलियों द्वारा जो है अपना हथियार छोड़ के जंगल में छुपा के भाग गए थे। तो हमको रेगुलर सूचना मिल रहा था कि उस जंगल में बहुत सारा हथियार छुपा के रखा हुआ है। तो हम लोग लगातार जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किए थे जो एसएसबी और दुमका पुलिस के द्वारा। उसके उपलब्धि के कारण आज जो है हमको 6/12/2019 के सुबह 6 बजे हम लोगों को दो रेगुलर इंसास जो पुलिस से लूटा गया था और रेगुलर इंसास हम लोगों को उपलब्ध हुआ है। इसके जो दो रेगुलर वेपन्स है, जो एक अमरजीत बलियार सर का जो इंसिडेंट हुआ था 2013 में, उसमें मनोज कुमार हेम्ब्रम जो पाकुड़ जिला बल का सिपाही है, उनके हाथों से ये यानी कि उनका इंसास जो है लूटा गया था। इसके अलावा जो दूसरा इंसास है, 2014 लोकसभा इलेक्शंस में पलासी गांव में शिकारी पाड़ा अंतर्गत पोलिंग पार्टीज और पुलिस पार्टी के हमला के ऊपर हमला हुआ था। उसमें आरक्षी 515 रघुनंदन झा उनके यहां से हथियार लूटा गया था।